स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 का फाइबर टू फैब्रिक। तो ये वाला चैप्टर हमारा जो है एक शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जो क्लोथ्स हैं, हमारे कपड़े हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है, और अलग अलग टाइप के क्लोथ्स के बारे में स्टडी करेंगे, अलग अलग प्रकार का कपड़ा कैसे बनता है, और रॉ मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे जिससे अलग अलग टाइप के कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप मेंशन करें कि आप कौन से स्कूल या अकेडमी में स्टडी कर रहे हैं और आपके स्कूल का नेम और आपके सिटी का नेम। ओके, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, फाइबर एंड फैब्रिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाइबर एंड फैब्रिक। जो फाइबर है वो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, पतले पतले। दीज आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। इनको ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है, जिससे ये हमारे पास यार्न बनता है। जिससे द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर टू मेक यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। और जिस प्रोसेस के जरिए इसको ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है उसको स्पिनिंग कहा जाता है, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। यार्न्स आर वुवन टू मेक फैब्रिक। और इन यार्न्स को ही जो है वीव करके फैब्रिक बनाया जाता है। ओके, द फैब्रिक इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोथ, जिसको हम कपड़ा बोलते हैं हमारी आम भाषा में। और ये फैब्रिक जो है उसको स्टिच करके हम कपड़े बनाते हैं। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोई कुर्ता है, फ्रॉक है, दुपट्टा है, ये सारे फैब्रिक से बनते हैं। तो इसके दो प्रोसेस हैं मेनली, वीविंग और निटिंग। पहले हम करेंगे वीविंग को। जैसे वीविंग का काम कैसे किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग टू यार्न्स। दो यार्न को इंटरलेस किया जाता है, यानी कि उनको बुना जाता है, सो दैट दे क्रॉस ईच अदर एट द राइट एंगल्स। वो राइट एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करें और हमें एक वुवन फैब्रिक मिले। तो ये इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पे इसको वीव करके बनाया गया ना। और एक ये है हैंडलूम में बनाया जाता है जैसे इसको। नेक्स्ट है हमारे पास निटिंग। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है निटिंग। निटिंग आपने देखा होगा, आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपकी नानी जो है स्वेटर बुनते हैं ऊन के साथ। तो ये प्रोसेस कहा जाता है निटिंग। अगर कोई आपको ऐसा करते हुए देखे ना इनके साथ, तो आप बोल सकते हैं आर यू निटिंग, व्हाट आर यू निटिंग। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग अ सीरीज ऑफ इंटर कनेक्टिंग लूप्स ऑफ वन और मोर यार्न्स बाय यूजिंग निटिंग नीडल्स और मशीन्स। इनको मशीन के जरिए भी किया जा सकता है और हाथ के जरिए भी। स्वेटर एंड सम अदर वुलन क्लोथ्स आर मेड बाय निटिंग वूल यार्न्स। तो वूल यार्न को निट करके स्वेटर बनाए जाते हैं, मफलर्स बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। तो कपड़े पहनने का जो रिवाज है या फिर एक प्रोसेस है, तो ये शुरू हुआ था लगभग एक लाख से 5 लाख साल पहले। तो पहला कपड़ा जो है उसके हमें कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है इसके बारे में। उन्होंने इसके बारे में काफ़ी खोज किया है, काफ़ी सर्च किया है। तो उन्हें मिला है एनिमल स्किन और फर, ग्रासेस और लीव्स से भी कपड़े बुने जा सकते थे। और उस समय पे बोन्स और शेल्स का भी इस्तेमाल करते थे कपड़ों में। इसके अलावा जो क्लोथिंग है उसको ड्रेप और टाई किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे स्टिचिंग का काम नहीं होता था। उस टाइम पे नीडल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन 30,000 साल पहले, यहाँ पे 30,000 साल पहले जो है नीडल्स का इस्तेमाल, उन लोगों ने नीडल्स को ढूंढ निकाला कि हम किस प्रकार एक नीडल का इस्तेमाल करके कपड़ों को स्टिच कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने नीडल का यूज़ करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने कपड़े बनाए। उसके बाद वो स्टिच किए हुए कपड़ों को पहनने लगे। तो अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, उन्होंने जो नीडल्स हैं वो बनाई कैसे। उन्होंने वो एनिमल्स बोन से बनाई, और उन्होंने जो है उस लेदर को सीला, यानी कि लेदर को स्टिच करना शुरू किया और फर को स्टिच करना शुरू किया। जिसके बाद क्या हुआ, वो लोग फर के कपड़े बनाने लगे। इसके बाद सिल्क जो है वो सबसे पहले चाइना में आया। बार्क और हेम्प फाइबर जो है वो जापान में डिस्कवर हुए, जो कि बहुत साल पहले हुआ, यानी कि 5500 BC में इसको डिस्कवर किया गया। अब इसमें कुछ हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं, एनिमल स्किन को एज अ क्लॉथ यूज करना। इसमें ये जो लेडी है ये ग्रासेस को, जो ग्रासेस हैं उनको वीव करके कुछ बना रही है। देखो बूट्स बने हुए हैं ग्रास के।
एंशंट पीपल यूज करते थे इस टाइप के कपड़े, घास से बने हुए या फिर उसकी छाल से बने हुए, खाल से बने हुए जानवरों की, इस तरीके से इनको यूज किया जाता था। अब पर्पस क्या है क्लोथिंग का? तो हमारा पर्पस जो है, हम कपड़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सबसे फर्स्ट तो है हमारा ये प्रोटेक्शन देते हैं हमें कोल्ड से, बारिश, सन यानी कि सनलाइट जब ज़्यादा हो जाती है, विंड, हवा तेज़ चलती है, तो हमें मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं ना सर्दियों में। स्नो से हमें हेल्प करती है और वेदर कंडीशंस में हमारी बहुत हेल्प करती है। कपड़े जो हैं वो रिस्क को कम कर देते हैं जब हम कोई फिजिकल काम करते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स वगैरह, गेमिंग में भी तो वो लोग इस टाइप के कपड़े पहनते हैं ना, जिससे उनको चोट वगैरह ना लगे, जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा। तो कुछ क्लोथिंग जो है हमें इंसेक्ट, फायर, केमिकल और अदर इन्वायरमेंटल हजार्ड से भी बचाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द अदर टाइप ऑफ फाइबर, जो फाइबर के और अलग अलग टाइप कौन से हैं। अभी तो हमने सिर्फ घास और लेदर वगैरह देखा। इसके बाद हमारे पास कुछ नेचुरल है। नेचुरल में हमारे पास वूल और ये रहेगा कॉटन। ओके, कुछ सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं, कुछ ब्लेंडेड होते हैं यानी कि दोनों को मिला के बनाया जाता है, कुछ सेमी सिंथेटिक होते हैं। अब देखो सबसे नेचुरल जो है वो तो हमारे पास कॉटन, वूल, जूट और सिल्क रहेगा, जो एनिमल या फिर जानवरों से या फिर प्लांट से हमें मिलता है। इसके बाद ये है सिंथेटिक, ये कम्प्लीटली मैनमेड होता है, जो प्लास्टिक वगैरह से बनाया जाता है, पोलिएस्टर और नायलॉन। इसके बाद हमारे पास टेरी वूल और टेरी कॉटन होता है, ये देखिए यहाँ पे, ये इसके टॉवल्स वगैरह भी बनते हैं, और ये सेमी सिंथेटिक है। जैसे रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क जिसको कहा जाता है, ये प्रोसेसिंग के जरिए ही बनाया जाता है, नेचुरल फाइबर को ही प्रोसेस किया जाता है आर्टिफिशियली और फिर उसको सिल्क बनाया जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेयॉन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ये वूल और सिल्क होता है, कॉटन और जूट जो है, अब देखो कॉटन और जूट हमें मिलता है प्लांट से, और जो वूल और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है। वूल हमें कहाँ से मिलता है, और वूल के लिए आप कौन से जानवर के बारे में सोच सकते हैं, जैसे शीप है। सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है। इसके बाद है प्लांट फाइबर, अब इनसे हमें मिलता है जो पौधे हैं जिनसे हमें कॉटन या फिर नॉर्मली कॉटन और जूट मिलता है, जैसे कॉटन, कपोक, जूट, फ्लैक्स और हेम्प। इन इन पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, इन प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है हमें कॉटन या फिर प्लांट फाइबर लेने के लिए। सबसे पहले इनसे बनाया जाता है पेपर, क्लॉथ और रॉप। इसके बाद कॉटन है, कॉटन को 85 कंट्रीज के अंदर उगाया जाता है और इसका ट्रेड किया जाता है बहुत सारे देशों में अलग अलग, जैसे हमारे देश में कॉटन, चाइना में कॉटन, बहुत सारी जगहों पर कॉटन उगाया जाता है, इसके बेल्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद फिर उसको सेल किया जाता है। अब इसके बाद इसको क्या जरूरत होती है, कौन सी कंडीशन चाहिए जिससे जो है बहुत ज्यादा कॉटन हम उगा सकेंगे, जैसे हॉट ड्राई समर चाहिए, प्लेंटी ऑफ सनशाइन चाहिए यानी कि गर्म गर्म हमें चाहिए वातावरण, गर्म इन्वायरमेंट होना चाहिए, ड्राई समर यानी कि बारिश कम होगी और सनशाइन होगा बहुत ज़्यादा यानी कि सूरज की रोशनी हमें हमें ज़्यादा चाहिए, और ह्यूमिडिटी बहुत कम होनी चाहिए। कॉटन जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, और इसके साथ सीड्स अटैच होते हैं इसके, और इन सीड्स का इस्तेमाल जानवरों को, जैसे हमारे घर में कैटल्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, वो खाते हैं उसको, उस सीड को। और जो कॉटन बॉल इज सीड पॉड ऑफ द कॉटन प्लांट अटैच टू ईच ऑफ द 1000 सीड्स, तो सारे के सारे सीड्स के साथ कॉटन की बॉल जुड़ी होती है ऊपर उसके, जिसको कॉटन बल्ब भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसको बनाया कैसे जाता है उस प्लांट से लेकर फाइबर तक, इसकी बेल्स कैसे बनती हैं, तो इसके प्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले कॉटन कॉटन बॉल्स जो हैं उनको स्प्लिट किया जाता है और ओपन उनको खोला जाता है। उनको खोल देने के बाद पता है क्या होगा, वो बड़े हो जाएंगे, हमें रॉ कॉटन फाइबर जो है वो बाहर आ जाएगा, वाइट वाइट पार्ट उसका कॉटन का, और फिर उनको सुखाया जाएगा सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट के अंदर, उनको ड्राई किया जाएगा। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, फिर जो क्रॉप है यानी कि फसल है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, या हैंड पिकिंग के जरिए या फिर मशीन्स के जरिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है सीड कॉटन गिव्स इनटू कॉटन गिन, उसको गिनिंग मशीन में भेजा जाएगा,
विच सेपरेट सीड फ्रॉम कॉटन, जो कॉटन के अंदर सीड होता है उसको उसे अलग करने के लिए, और डर्ट को यानी कि बाहर उगेगा वो मिट्टी में उगेगा, तो थोड़ी बहुत डर्ट स्टेम और लीव्स तो होंगे ही उसके साथ, तो ये सारी चीजों को उसे हटाया जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाएगा गिनिंग। ये हाथों के जरिए भी की जा सकती है और मशीन्स के जरिए भी की जा सकती है। यहाँ पे भी हमें हैंड जो है हैंड पिकिंग के जरिए करते हुए दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा जो कॉटन है उसको गिन किया जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंट, विच इज कंप्रेस्ड इनटू बेल्स, फिर उसको बेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बेल्स यानी कि ये वाला देखो, इसमें इसको कंप्रेस करके बहुत बड़े कॉटन को छोटे से एरिया के अंदर डाल दिया जाता है, इसको बेल्स कहा जाएगा। ये चीज को जब हम इसके गट्ठर बना देंगे, और इसका जो है अलग अलग रहता है हर एक देश के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे बांग्लादेश में 177.8 केजी को वन बेल कहा जाता है, और पाकिस्तान में अलग, सिमिलरली यूएसए में अलग, और पाकिस्तान में इंडिया में अलग, इस तरीके से इनका जो वेट है वो हर बेल का अलग अलग होता है। तो इसका थर्ड स्टेप जो है वो स्टेप में फाइबर को क्लीन किया जाएगा, लूज किया जाएगा उसके स्ट्रैंड्स को एक कार्डिंग मशीन के जरिए। ये रही वो कार्डिंग मशीन, स्पिनिंग मशीन ये है यहाँ पर, और इसका जो शॉर्ट फाइबर है उनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद हम जो थ्रेड्स हैं वो स्ट्रैंड में कॉम्बिंग के जरिए उनको जोड़ा जाएगा। द फाइबर आर स्पन यूजिंग स्पिनिंग मशीन टू मेक कॉटन यार्न। तो जो फाइबर है उसको स्पन किया जाएगा, यानी कि स्पिनिंग मशीन के अंदर उसको डाल के कॉटन यार्न बनाया जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस जो है इसको स्पिनिंग कहा जाता है, जो हमने पहले भी देखा था। यार्न इज देन मेड टू कॉटन फैब्रिक बाय वीविंग और निटिंग, और वीविंग या फिर निटिंग के जरिए उसको फैब्रिक बना दिया जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास यूज है, उसके इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ हम उसका यूज करते हैं। तो इसके यूजेस हैं जैसे टॉवल्स, समर वियर यानी कि हमें शर्ट कपड़े बनाने में इसका इस्तेमाल, डेनिम जीन्स वगैरह बनाने में, मास्क बनाने में, फिल्टर बनाने में, कॉफी फिल्टर, फिशिंग, चाइनीज पेपर, बुक बाइंडिंग, ये सारी चीजें जो हैं फैब्रिक से बनती हैं। ग्लेज कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है शाइनी कपड़े बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूट। जूट फाइबर जो है वो हमें जूट प्लांट की बार्क से मिलता है। वी गेट इट फ्रॉम द बार्क ऑफ द प्लांट। इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये एक वेजिटेबल फाइबर होता है, शाइनी वेजिटेबल फाइबर। वेजिटेबल मतलब हमें ये पेड़ पौधों से मिलता है। वाइट टू ब्राउन कलर का होता है और इसकी हाई कैश वैल्यू रहती है। मतलब इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी महंगा बिकता है, लेकिन वैसे ये चीप फाइबर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है। हमारे कौन से देश में ये उगता है, कौन कौन से देशों में उगता है जूट फाइबर, और हमारे देश में कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जूट उगाता है, सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग जूट की जाती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए यानी कि बहुत गर्मी, इसके अलावा हैवी रेनफॉल भी चाहिए, बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, और थोड़े से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी चाहिए जिससे इसको कोई बीमारी ना लगे और ये ख़राब ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आया, गर्म चाहिए तापमान, बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़े से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से ही काम चल जाता है। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे इसका प्रोडक्शन। अब है हमारे पास जूट फाइबर का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जूट फाइबर जो है वो बार्क से मिलता है हमें एक प्लांट की, जो कि काफ़ी स्टिकी होता है। तो ये स्टिकी सब्सटेंस होता है, इसको हटाने के लिए इसको, इस प्लांट को पानी में सोक करके रखा जाता है। द प्लांट स्टॉक्स इन वाटर फॉर अराउंड 20 डेज टू ऑब्टेन फाइबर। लगभग 20 दिनों तक, 20 डेज तक इसको सोक किया जाएगा, फिर हमें इसमें से फाइबर मिलेगा। व्हेन द जूट स्टॉक इज वेल रेटेड, द बंडल्स ऑफ स्टॉक आर मेड एंड हिट टू लूजन द फाइबर फ्रॉम द जूट स्टॉक। तो इस तरीके से इसको बांध के रख दिया जाता है बंडल्स बना के, और ये फाइबर जो है वो लूज करके इसको वॉश किया जाता है पानी के साथ, और फिर इसको सुखाया जाता है। नाउ द फाइबर इज स्पन टू मेक यार्न। फिर इसको स्पन किया जाता है, मतलब इसको घुमा के, इसको बहुत अच्छे से स्पन करके इसका धागा बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल इज एडेड टू द फाइबर वाइल स्पिनिंग। थोड़ी सी अमाउंट में, थोड़ा सा अमाउंट में हम इसमें ऑयल भी डालते हैं ताकि जो फाइबर है वो अच्छे से स्पन हो जाए। आप बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा यार्न्स है, यार्न वो हमारे देश में किस सिटी में बनाया जाता है।
अब मुझे ये बताएंगे। और इसके जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इससे, जैसे जूट के बैग, रस्सी, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दरी बनती है इसकी, दरी मीन्स एक कारपेट जैसी चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसकी, हैट्स बनते हैं, स्लीपर बनते हैं, रॉप्स बनते हैं, कारपेट बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसकी। और इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर हम जूट और कॉटन को एक साथ मिला दें तो क्या बनेगा? जूटॉन। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, जूटॉन बनेगा। फिर जैसे कॉटन बनता है ना, वैसे ही जूटन या फिर जूटॉन बनेगा। इसके केस में क्या होगा, जो जूट फाइबर है वो काफी स्ट्रोंग होते हैं कॉटन से। तो अगर हम इन दोनों को वीव कर दें तो क्या होगा, इन दोनों की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी हमें काफी सारी जगहों से जूट वगैरह मिलता है या फिर फाइबर हमें मिलता है, प्लांट फाइबर। ओके, तो सबसे पहले है ये हेम्प का पौधा, हेम्प प्लांट होता है ये। इसकी स्किन से हमें मिलता है कारपेट बनते हैं, रोप बनते हैं, क्लोथ एंड पेपर बनाए जाते हैं इसके जरिए। इसके बाद है हमारे पास फ्लैक्स। तो ये जो है इसकी इसकी भी स्टेम से ही मिलता है फ्लैक्स प्लांट। इसमें फ्लैक्स फाइबर बनते हैं और इसको वूव करके लेनिन भी बनाया जाता है। लेनिन कपड़ा होता है एक, और इसकी रोप्स बनाई जाती हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और हाई क्वालिटी पेपर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इसके बाद है हमारे पास कॉयर और सिल्क कॉटन। ये है हमारे पास कॉयर और सिल्क कॉटन। ये भी एक प्लांट है जिससे हमें फाइबर मिलता है। ओके, तो ये वाली चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे जैसे पिलो होते हैं ना, तकिया होता है, एक पिलो होता है उसके अंदर ये वाली चीज़ डाली जाती है ताकि वो काफ़ी फ्लफी लगे। इसके अलावा ये जो जैकेट्स और बैग्स को काफ़ी ठंड में यूज़ करते हैं ना हम, काफ़ी कोल्ड वाले एरियाज में, उनमें ये डाला जाता है ताकि जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहे। और इससे इससे बनाए जाते हैं पिलोज, क्विल्ट्स, स्लीपिंग बैग बनाए जाते हैं और लाइफ जैकेट्स बनाए जाते हैं। काफ़ी हल्के होते हैं ये, काफ़ी लाइट वेट रहता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, इसके बाद हम करेंगे एनिमल फाइबर नेक्स्ट पार्ट में। मैंने सोचा था एक शॉट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आपके लिए भी देखना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।